अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुठभेड़ में शहादत देने वाले जवान हरि सिंह का पार्थिव शरीर गमगीन माहौल में पहुंचा रेवाड़ी। उनके पैतृक गांव राजगढ़ में वीर सपूत अमर शहीद हरि सिंह को हजारों नम आंखों ने दी अंतिम विदाई। वतन के लिए मर मिटने वाले वीर सपूत हरि सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही सुबह 10:30 बजे उनके पैतृक गांव राजगढ़ पहुंचा तो मातम पसर गया। हरि सिंह के पार्थिव शरीर के आते ही पूरा गांव इलाका गमगीन हो गया। शहीद हरि सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए जब घर ले जाया गया तो न केवल परिजनों का बल्कि वहां पर मौजूद हर शख्स का दिल पसीज गया। परिजन बिलख बिलख कर बोले कि बेटे की शहादत पर उन्हें फक्र है, लेकिन बहुत हो चुका, अब बदला लेने का समय भी आ चुका है। उनके लाल ने तो गांव के साथ अपने जिले रेवाड़ी और अपने क्षेत्र के साथ देश का नाम रोशन किया है। उसकी शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद के उन संगठनों और पत्थरबाज गद्दारों के खिलाफ आक्रोश भी है, जिस कारण हरि सिंह जैसे हमारे देश के कई जवान हर रोज शहादत देते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? हर एक जहन में बस यही सवाल था कि आतंकवादियों के कायराना मंसूबे कब तक यूं ही चलेंगे। मोदी जी उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, उन्हें खत्म करें। क्या महज 3-4 आतंकियों के मारने से ही बदला पूरा हो जाएगा? आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। शहीद पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के कर्नल SK निम्बालकर ने कहा कि हरि सिंह समेत पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का बदला लेंगे। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लाना में सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार रात 4 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक जवान हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव राजगढ़ का रहने वाला वीर सपूत हरि सिंह था। हरि सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को जम्मू से आना था, लेकिन देर होने की वजह से आज सुबह दिल्ली से लाया गया। हरि सिंह के शहीद होने की खबर सुनकर गांव रात भर सोया नहीं और सुबह शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और इस भावुक क्षण के साक्षी बने। देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला 28 वर्षीय सिंह अप्रैल 2011 में सेना में सिपाही रैंक से भर्ती हुआ था और नायक पद पर 20 ग्रेनेडियर प्लाटून में तैनात था। परिजनों और गांव वालों की माने तो हरि सिंह बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव का था। सेना में भर्ती होने के कुछ दिनों पहले ही फरवरी 2011 में हरि सिंह के सिर से पिता का साया उठ गया था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हरि सिंह था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हरि सिंह के पिता भी सेना में बतौर सूबेदार कार्यरत थे। हरि सिंह की शादी महेंद्रगढ़ के गाँव जगड़ोली में हुई थी तथा हरि सिंह का एक 10 माह का बेटा लक्ष्य है। करीब 2000 की आबादी वाले राजगढ़ गाँव बहुत सैनिक सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। गांव से पहले भी 2 सैनिक कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दे चुके हैं। सर,
कहने को तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी का माई का लाल शहीद ना हो, पर मेरा भाई शहीद हुआ है इसके लिए मुझे दुख भी बहुत है और गर्व कह के वो मातृभूमि के काम आया। क्या उसमें खूबियां थी, क्या किस तरह का क्या नेचर था, कब उन्होंने? सर नेचर बहुत अच्छा नेचर था, सबसे मिलनसार नेचर था उसका और अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का उस जो भी उसके यार दोस्त थे गांव समाज परिवार सबसे वो मिलकर चलता था, सबको राम राम करता था और उसका नेचर बहुत अच्छा था। हम चाहते हैं कि जो टेररिस्ट ने जो हमारे भाई की मतलब हम चाहते हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में हों चाहे हमारे वहाँ हिंदुस्तान में बैठे हों, गुरुवार उनको मुँह तोड़ दो सरकार से ही दूंगा। सरकार से क्या आशा रखते हैं? सरकार से आशा कि आगे से मतलब ऐसा घटना ना हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा करी जाए ताकि कोई भारत का सैनिक शहीद ना हो, उसके लिए हम सरकार से यही कहते हैं बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सुरक्षा कर दी जाए। मैं 15 राज से एक्सपीडिशन मैन हुआ हूँ और 6 साल मैं जैंडके में रहा हूँ, वहाँ पर जो उनके जो भाई मुसलमान हैं वो ही हमारे उग्रवादियों पर पनाह देते हैं और फौजियों को मरवाने का हाथ उन सिविलियन का है, तो उनके ऊपर कार्रवाई सख्त की जाए। और लड़ाई को हुए 30-35 साल हो गए, हम सारे फौजी कहते हैं कि एक बार लड़ाई ज़रूर हो जानी चाहिए ताकि 10-20 साल के लिए मामला ठंडा हो जाए। और हम एक्सरिमिन आज भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। शहीद हरी सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहीद जो हरी सिंह बहुत ही अच्छा लड़का था और ईमानदारी से उसने ड्यूटी की है तभी तो वो शहीद हुआ है, और गांव पूरा 2 दिन से भावुक हो रहा है। आपने उसके बचपन से अब तक उसको देखा है तो कुछ बताएंगे उसकी? मैं उसकी शादी में उनके पिताजी थे नहीं, मैं समंदीर का रोल मैंने ही किया था और मैं कल से मेरे आँखों का आंसू नहीं सूखा है। लड़का बहुत ही होनहार था, बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का था, गरीब परिवार से संबंध रखता है वो लड़का, 4 बहन है, एक ही भाई था ये, तो उसका तो परिवार पूरा ही उजड़ गया मान लो। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही है कि उसके जो घर का जो है देखभाल की जाए, तो आर्थिक सहायता जितनी ज़्यादा ज़्यादा दी जाए वो भी कम है। गांव कहते हैं इसको। पहले जो दो शहीद हुए उनका क्या क्या नाम है? एक का वेदपाल, शहीद वेदपाल 5 राज्य से था, एक इंस्पेक्टर रतिराम सिंह BSF थे, वो भी दोनों होनहार थे, जो रतिराम था वो तो DSP बना था। कहीं ना कहीं गांव में चर्चा हुई है कि जो पहले शहीद हुए थे उनकी मांग भी सरकार ने पूरी नहीं की, क्या इस नहीं की? क्या बिल्कुल नहीं की भाई, वो जो सरकारी जो आर्थिक वो ही मिल रही है, बाकी बाहर से कुछ मदद नहीं आई थी और रतिराम को तो कुछ मिला ही नहीं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना जिला प्रभारी राजपूत समाज का सदस्य, क्या कहना चाहेंगे आज शहीद? मैं शहीद के बारे में कहना चाहूँगा कि भाई हरी सिंह ने केवल राजगढ़ का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र और पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, और हमें दुख के साथ साथ हमें दुख से कहीं ज़्यादा गर्व महसूस है कि हमारे भाई ने अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। कल भाई हरी सिंह ने 2011 में ज्वाइन किया था और वो परिवार में एक इकलौते पुत्र थे अपने। उनका क्या गांव में जब आते थे तो क्या रहता था उनका, गांव वालों के साथ मेल मिलाप कैसा व्यवहार था उनका कैसा? गांव में आने पे उनका एक देशभक्ति के प्रति जो जज्बा देखने को मिलता था वो बहुत ही शानदार और तारीफ के काबिल था, और उन्होंने अभी हाल ही में 2018 नवंबर में एक ऑपरेशन के दौरान 2 जिंदा आतंकवादियों को भी पकड़ा था जिसके लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। आज हरी सिंह की शहादत पर पूरे देश को समाज को गर्व है, हम वीरों की इस धरती को नमन करते हैं, शहीद हरी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और धन्य है वो माँ, धन्य है ये धरती जिसने एक वीर सपूत को जन्म दिया जिसकी जिंदगी इस देश के काम आई। अभी हमें इनके गुरुजी थे उनसे पता चला कि ये बहुत ही आज्ञाकारी और सौम्य स्वभाव का बच्चा था, शुरू से ही इंटेलिजेंट था, और इसने जो शहादत दी है इस पे देश को गर्व है, और ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा
शहीद हरि सिंह का नाम अमर रहेगा और ये इतिहास में लिख दिया गया है। इस शहादत को लेकर के जहाँ लोगों के अंदर गम का माहौल और साथ में खुशी भी, आज लगभग 25,000 लोगों ने यहाँ आकर के दिखा दिया कि शहादत बेकार नहीं जाएगी और लोगों के अंदर इसको पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी इसको लेकर के बड़ा रोष है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक इसके नाम से अपना, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार को इस पर तुरंत प्रभाव से, सिर्फ कहने कहने की बातें नहीं, तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और जितने हमारे 42 जवान पहले शहीद हुए और 6 जवान कल शहीद हो गए इनकी शहादत का बदला उनकी शहादत से लेना चाहिए। मैं गुलजार खान 20 ग्रेनेडियर उनकी पलटन से ही हूँ मैं, और मैं उन्हीं के साथ नौकरी कर रहा था। तो वह काफ़ी बहादुर और लीडिंग में चलने वाले, और आज भी लास्ट में जब रात को ऑपरेशन हुआ था कल, तो उस ऑपरेशन में लास्ट में जब वो सर्च कर रहे थे तो उसमें लास्ट कमरे में जो मिलिटेंट ने एक ग्रेनेड फेंका उसकी वजह से उनकी हादसा हुआ, ग्रेनेड फटने की वजह से हुआ, और उसमें 5 आदमी घायल हुए जिसमें कि 2 बंदे हॉस्पिटल में हमारे और 3 बंदे हमारे 20 ग्रेनेडर के ही घायल हो गए, मतलब वो हो गए, शहीद हो गए, जिसमें एक हमारा मेजर साहब वो हुए जो देहरादून से बिलोंग करते हैं, एक हमारे झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और एक मेरठ से बिलोंग करते हैं। सर ये तो हमारा जैसे हमारे को पता चलता है तो हम वहाँ पे अपना लीडिंग अपने बंदे लेके जाते हैं, पहले पुलिस खबर होता है या कोई भी जहाँ से जो भी हमारा ये कोई खबर मिली तो उसके बाद में हम वहाँ पे गए, हमारे बंदे वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने कोर्डन किया, लेकिन जिस घर का वो हमें पता था तो दूसरे घर में थे वो, तब तक उसका वो किया सर्च किया उसकी, तब तक उनकी फायरिंग नहीं आ पाई, जब तक उनकी फायरिंग नहीं आती तो पता नहीं रहता कि अंदर क्या है क्या नहीं। अब उसी उसमें जब लास्ट वाले कमरे में सर्च कर रहे थे बंदे तो उसमें एक ग्रेनेड फेंका एक मिलिटेंट ने, उसमें इनकी कैजुअलिटी हुई, उसमें 7 बंदे वो हुआ था लेकिन 3 बंदे एडमिट हैं, 3-4 और इसमें 4 बंदे एक्स्ट्रा शहीद हो गए। सबसे लीडिंग में चलते थे जो भी बंदे हमारे शहीद हुए वो एक कैट के नाम से थे, क्यू करेक्शन बोलते हैं, क्यू करेक्शन टीम उसमें काम कर रहे थे, जब से ये वहाँ पे आरआर में गए थे तब से 3 साल से वो उसी में थे, और इनको पहले भी सम्मानित किया गया है सेना मेडल से भी, 3 बंदों को इनको 4 बंदे जो थे उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, बहुत बड़ा पुरस्कार है सेना के लिए, उसमें इनको सम्मानित किया गया था। इनकी रैंक की बात करें कौन सी रैंक पर थे फिलहाल ये? ये एक हमारे उसमें हवलदार था जो सियोराम जो झुंझुनू से बिलोंग करता है, और एक सिपाही जैसा ग्रेनेडियर बोलते हैं अजय कुमार जो मेरठ से बिलोंग करता है, और जो यहाँ से रेवाड़ी से बिलोंग राजगढ़ से बिलोंग करता है इसका नाम ग्रेनेडियर हरि सिंह, प्रमोट हो गए थे नायक के लिए, ये नायक के लिए प्रमोट हो गया था मेजर देहरादून, और एक मेजर साहब जो हमारे शहीद हुए हैं वो देहरादून से बिलोंग, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट के सभी होते हैं, और जो हमारे रिटायरमेंट अफसर थे जो हमारे कर्नल थे जो और जो सर्विस में भी हैं वो भी सभी आए हुए थे, और जो बाहर काफ़ी दूर से जिसको भी पता लगा जो लीव पे है सभी के सभी बटालियन के सभी के जो बंदे आए हुए हैं जो भी लीव पे है किसी को भी पता चला चाहे वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी है तो भी आया, जो जो जिसके पास में था वो उसी को जाके लोकल जनता ठीक, और ये सारा ऑपरेशन यहाँ हरियाणा पुलिस ने बहुत ज़्यादा किया है। हरि सिंह की शहादत को सलाम करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ पिछले 2-3 दिन में हुआ है उसका पूरा का पूरा बदला लिया जाएगा, और इसके ऊपर अब मैं पूरे हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बरखिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। शहादत दी है। किसी भी सर्च ऑपरेशन में जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि एक जो टेररिस्ट है वो घर के अंदर है और हम उस घर के ऊपर हम जा रहे हैं उसको सर्च करने के लिए, तो एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क बहुत होती है, और जो ये काम करता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बहादुरी होती है वहीं वो काम कर सकता है। सर उसके साथ कल जो आप जैसे आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर और मीडिया में देखा है एक ऑफिसर और 3 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में जो 55 RR से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो 3 जवान हैं वो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। सर जो कुछ करना है उसके ऊपर पूरी भारतीय सेना उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और आगे चलता रहेगा। सर श्रद्धांजलि में 20 ग्रेनेडियर से जो 20 ग्रेनेडियर के 2 पुराने एक सीओ थे जिसमें मैं और कर्नल बजाज, रिटायर्ड ऑफिसर्स में कर्नल गिल, कर्नल कुरश्रेष्ठा और काफ़ी सारे 20 कर्नल दहिया, बाकी सारे जो रेजिमेंट से
हर यूनिट से एक एक जवान या दो दो जवान हर यूनिट से आए थे। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से आप जैसे देखा है काफ़ी सारे जवान यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ भी हरी सिंह के साथ जो जवान थे वो भी आए। 55 RR से भी एक ऑफिसर यहाँ पर इस श्रद्धांजलि समारोह में आए। रेवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।